हेलो। तो हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है आपके नए चैनल लर्न टू टर्न में। आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि गाड़ी कैसे स्टार्ट की जाती है और क्लच, गियर और एक्सीलेटर के इस्तेमाल से गाड़ी आगे कैसे बढ़ाई जाती है। तो ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाड़ी चलाना इसका मतलब ये नहीं होता कि गियर गियर बदलना, क्लच दबाना, एक्सीलेटर दबाना। गाड़ी चलाने का मतलब ये होता है कि गाड़ी चलाते वक्त केयरफुल रहना, अलर्ट रहना और पहले से प्लान करना कि गाड़ी हम कैसे चलाएं। ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए और गाड़ी चलाइए। तो चलो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी स्टार्ट कैसे करें। गाड़ी स्टार्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इग्निशन स्विच का। जी दोस्तों, इसे इग्निशन स्विच कहते हैं। मेरे कैमरा में ठीक से दिखाई, हाँ दोस्तों, तो ये देखिए कि यहाँ पे तीन स्टेप से एक है लॉक, एक है ACC, एक है ऑन और लास्ट में है स्टार्ट। तो हमें क्या करना है, हमें चाबी चाबी का इस्तेमाल करके जब हम इसे एक राउंड घुमाते हैं, जब हम और एक राउंड घुमाकर उसे ऑन पर ले जाते हैं, तब यहाँ पे स्पीडोमीटर पे सब लाइट्स वगैरह दिखने चालू हो जाती है। इसका मतलब इंडिकेशन सब चालू हो जाती है, स्पीडोमीटर सब चालू हो जाता है। ये निशान को तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ये पार्किंग ब्रेक का निशान है और ये इंजन का निशान है। जब कोई इंजन में खराबी हो या कुछ काम निकला हो गाड़ी में, तो ये इंजन की लाइट जलने लगती है स्टार्ट करने के बाद भी। लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं तब ये सब लाइट्स चली जाती है। ये लाइट है बैटरी की, ये लाइट जब हम स्टार्ट करेंगे तब वो चली जाएगी, और ये लाइट है ऑयल की, ये भी जब हम स्टार्ट करेंगे तब चली जाएगी। अगर आपकी बैटरी लो हो तो ये लाइट धीरे धीरे से डिम होती जाएगी। इसलिए जब हम स्विच ऑन मोड पे रहे तो प्लीज़ तो गाड़ी की AC वगैरह ऑन ना करें, क्योंकि आपकी बैटरी लो हो सकती है। तो आओ चलो दोस्तों, हम अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि गाड़ी स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाहिए, ये मैंने आपको सेकेंड वीडियो या माने कि सेकेंड लेसन में बताया था। इसलिए मैं अपनी सीट एडजस्ट कर लेता हूँ। मेरे हाइट के हिसाब से सीट एडजस्ट हो जाने के बाद मैं मिरर सेट करूँगा, जैसे कि मुझे पीछे का सब दिखाई दे। मैं राइट मिरर देखूंगा कि मुझे ठीक से दिखाई दे रहा है, लेफ्ट मिरर देखूंगा कि हाँ मुझे ठीक से दिखाई दे रहा है। उसके बाद में सबसे आखिर में सीट बेल्ट लगाऊंगा। सीट बेल्ट लगाने के बाद ही कार स्टार्ट करें दोस्तों, क्योंकि सीट बेल्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे सेफ्टी के लिए। क्योंकि हम सीख रहे हैं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमें सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं कि गाड़ी स्टार्ट कैसे की जाए। जब हम इस इग्निशन स्विच के दो राउंड घुमा लेते हैं तब हमें थोड़ी देर रुकना है। थोड़ी देर रुकने के बाद हम गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले हमें कभी भी क्लच लेफ्ट पाँव से अंदर करना है। क्लच अंदर करके ही गाड़ी स्टार्ट करें दोस्तों, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हमारी गाड़ी गियर में रहती है और हम जब गाड़ी स्टार्ट करने जाते हैं तब गाड़ी झटका खाती है और गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। इसीलिए क्लच दबाकर जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तब ना गाड़ी आगे बढ़ती है और ना झटका खाती है। इसलिए क्लच दबाकर ही कभी भी हमेशा गाड़ी स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए हमें गियर शिफ्ट करना होता है, यानी कि गियर बदलना होता है। तो गियर कैसे बदले, गियर बदलते वक्त हमें क्लच पूरी तरह अंदर दबाना है और गियर बदलना है। ये जो है ये फर्स्ट गियर है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ये फिफ्थ, माने कि फिफ्थ को डबल टॉप भी कहा जाता है, और ये रिवर्स है। तो दोस्तों ये गाड़ी है जो वो 6 स्पीड मैनुअल का गाड़ी है। तो सब 6 स्पीड मैनुअल में ऐसा ही गियर वर्क्स रहेगा। कभी कभार क्या होता है, ये जो रिवर्स का गियर है वो कभी कभार ये एक के बाजू में भी होता है। तब हमें क्या करना होता है कि या तो हमें गियर अंदर दबाकर रिवर्स में लेना होता है, या तो हमें गियर ऐसे ऊपर उठाकर
रिवर्स में लेना होता है। लेकिन ये तो नॉर्मल वाली है, तो हमें क्लच दबाकर ही हमेशा गियर शिफ्ट करना है। गियर शिफ्ट करते समय हमें हमेशा क्लच दबाना ज़रूरी है दोस्तों। क्लच दबाकर ही हमें गियर शिफ्ट करना है, विदाउट क्लच दबाए अगर गियर शिफ्ट ना करें दोस्तों, क्योंकि विदाउट क्लच दबाकर गियर शिफ्ट करोगे तो आपके गियर बॉक्स को नुकसान पहुंच सकता है, गियर बॉक्स टूट सकता है। इसलिए क्लच अंदर दबाकर ही हमेशा गियर चेंज करें दोस्तों। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी स्टार्ट कैसे करें। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले, गाड़ी आगे बढ़ाने से पहले हमें क्लच पेडल पूरी तरह से अंदर दबाना है, उसके बाद फर्स्ट गियर डालना है, उसके बाद ही हमें हैंड ब्रेक निकलना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, गाड़ी ढलान पर रहती है पीछे के साइड, तो हम विदाउट गियर डाले बगैर अगर हैंड ब्रेक निकाल देते हैं तो गाड़ी पीछे जा सकती है, पीछे जो भी गाड़ी रहे या फिर पत्थर रहे तो हमारी या दूसरों की गाड़ियों का नुकसान हो सकता है। इसीलिए हमेशा हैंड ब्रेक निकालने से पहले हमें फर्स्ट गियर डालना है और ब्रेक दबाए रखना। जब हम फर्स्ट गियर डाल लेते हैं और पार्किंग ब्रेक निकाल लेते हैं, तब हमें क्या करना है दोस्तों कि क्लच धीरे धीरे से छोड़ना है और ब्रेक पे का पाव हटा के हमें धीरे धीरे से एक्सीलेटर अंदर करना है। धीरे धीरे से क्लच छोड़ना है और एक्सीलेटर अंदर करना है, उससे उससे कि आप हमारी गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी। आगे बढ़ने के बाद थोड़ी स्पीड पकड़ने के बाद हमें फिर से क्लच दबाना है और गियर सेकेंड करना है, जिससे कि हमारी गाड़ी और तेज हो जाएगी। ऐसे ही करते करते हमें गियर शिफ्ट करना है और तेजी पकड़नी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप सीख रहे हो दोस्तों तो सेकंड गियर के आगे ना जाइए, क्योंकि सेकंड गियर में ही गाड़ी धीरे धीरे चलाइए। गाड़ी धीरे चलाने से हमें ज़्यादा जजमेंट मिलती है, गाड़ी पे ज़्यादा कंट्रोल बनता है, इसलिए गाड़ी सेकंड गियर से आगे ना चलाइए, सेकंड गियर पर ही प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मैंने सिखाया हुआ समझ में आया होगा, बताया हुआ समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ट्रैफिक रूल्स ना तोड़िए और हमेशा गाड़ी चलाते वक्त अलर्ट रहिए।